dear students, i welcome you in the course of leadership, emotional intelligence and decision making. this is module number 187 and our concern is when empathy needs to be learned. when we talk about learning of the empathy, it means that we can establish our concern of empathy in a better way with training, with concern, with focus and with mindful exercises. perspectives, empathy,

अपने आप को दूसरों के प्रस्पेक्टिव में वो जान सकेंगे और ये बात जान सकेंगे कि वेन वी आर एबल टू बेटर पुट आवर सेल्फ इन अदर शू टू फाइंड आउट कि हमें कहां पर किस कंसर्न के साथ अपनी डिमॉन्स्ट्रेशन वो करनी चाहिए अब याद रखें कि एम्पथी को लर्न करने के दौरान वी हैव टू बी केयरफुल कि कहीं हम ओवर एम्पथसाइज भी ना कर जाएं हमें अपने आप को प्रॉब्लम से डिटैच करना है हमें अपने इमोशनल कंट्रोल को वो मटेरियलाइज रखना है हमें अपनी सेल्फ अवेयरनेस को वो मद्देनजर रखना है और फिर इसके साथ हमने यह समझना है कि दूसरे की केयरिंग हम कैसे करें बिकॉज उस केयरिंग से दैट पर्सन इज गोइंग टू हैव अ स्ट्रेस रिलीफ अब इस हवाले से याद रखिएगा कि जब हम एम्पथी की बात करते हैं तो एम्पथी के कुछ फर्दर एस्पेक्ट्स हैं जिस पे हमारी तवज्जो वो जरूरी है सबसे पहली चीज़ हमें यह अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हमें अपनी परसेप्शन को अबाउट अ अफिनमिना वो कुछ देर के लिए पोस्टपोन करना है सस्पेंड करना है ताकि हम उस सिचुएशन को उस सिचुएशन के मुताबिक अंडरस्टैंड करें ना कि हमारी जो सिलेक्टिव परसेप्शन है वो वहां पर अमल में आ जाए सो वी हैव टू बी केयरफुल व्हेन वी आर ट्राइंग टू फील समथिंग व्हेन वी आर ट्राइंग टू एम्पथसाइज समथिंग तो हमें वक्ती तौर पर परसेप्शनल जो डायलमाज हैं उनसे अपने आप को जुदा वो करना होगा और हमें यह चीज सोचनी है कि वो माहौल वो शख्स वो वाकया वो बात वो हम तक क्या चीज कम्युनिकेट करना चाह रही है रादर के उसके ऊपर हम अपने आप को सुपर इम्पोज़ वो करें दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि समटाइम्स पीपल एट लॉस व्हेन द पीपल आर एट लॉस तो उन्हें बहुत ज्यादा अपने आप को एम्पसाइज कंसर्न के अंदर डेवलप वो करना होगा और जब वो अपने आप को एम्पेसाइज कंसर्न में लेकर आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तबीयत के अंदर एक, एक रिलैक्सेशन एक कामनेस वो भी क्रिएट होगी एंड दे वुड बी बेटर एबल टू कोप विद द स्ट्रेस द एंग्जाइटी एंड द चैलेंजेस ऑफ द सिचुएशन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वेन यू आर डीलिंग विद द पीपल इफ यू लुक एट समी इफ यू टॉक टू दैट इफ यू शो योर कंसर्न इफ यू लुक इन टू द आई इफ यू टैप द शोल्डर बहुत से ऐसे जेस्टर्स हैं जिन जेस्टर्स से हम अपने एम्पथी का इजहार कर सकते हैं और उस एम्पथी के जरा से इजहार से द अदर पर्सन कैन फील अ लॉट ऑफ बूस्ट ऑफ एनर्जी इन दम और वो बूस्ट ऑफ एनर्जी जो होगा वो बेसिकली यूज किया जा सकता है फॉर अवर कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव आउटकम्स सो हमारे चंद अल्फाज हमारे चंद इजहार कैन क्रिएट अग डिफरेंस एंड कैन कम लॉट ऑफ

Thank you.